يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. इंसान ना अपनी मर्जी से इस दुनिया में आया है और ना अपनी मर्जी से इस दुनिया से चला जाएगा। ये आने में भी अल्लाह रब्बुल इज्जत का मोहताज और दुनिया से चले जाने में भी अल्लाह रब्बुल इज्जत का मोहताज। अक्लमंद शख्स सईद वो है जो इस बीच की जिंदगी को, जब ये दुनिया में आता है और दुनिया से चला जाता है, ये बीच वाली जिंदगी भी अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्मों के ऊपर गुजारे, ये बहुत सही अकलमंद इंसान है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आप सबको इल्म के साथ जोड़ा, इसके लिए आपको अल्लाह से बहुत इस अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि प्यारे अल्लाह आपने हमें इल्म के साथ जोड़ा, ये आपका बहुत बड़ा एहसान है। अल्लाह रब्बुल इज्जत, हम सारे तालिबे इल्म हैं, कुछ बातें अपने बड़ों से सुनी वही या आजिज अर्ज करेगा। मुझे उम्मीद है आप दिल के कानून से इन बातों को सुनेंगे। अल्लाह करे कि ये मजलिस हम सब के लिए दुनिया और आखरत में बाईस रहमत हो, बरकत हो और हम सब की मगफरत का जरिया बन जाए। अजीज तलबा, पहली बात जो हम अपने बड़ों से सीखते हैं वो इंसान की नीयत है कि इंसान का हर अमल इन्नमल आमालु बिन्नियात, तमाम आमाल का दारुमदार इंसान की नीयत पे है। तो हम अपनी नीयत को पहले दुरुस्त करें कि हम क्यों पढ़ रहे हैं। लंबी चौड़ी तकरीर करने की जरूरत नहीं, बसा औकात छोटी सी बात इंसान कहता है और सुनने वालों का इखलास होता है तो जिंदगियां बदल जाती हैं। हकीकी तालिब इल्म तो वह है जो इल्म हासिल करे, ये इल्म उसे अल्लाह के करीब करे, ये इल्म उसे जन्नत के करीब करे। कि हम इल्म इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमें अल्लाह की मारिफत हासिल हो और हम अल्लाह के करीब हो और हम ये इल्म हमें जन्नत तक ले जाए, तो ये हकीकी तालिब इल्म है। और इंसान को नीयत दुरुस्त करनी चाहिए। जब नीयतें सही होती हैं तो आमाल भी जो इंसान से सादिर होते हैं उनका भी वजन होता है और अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ बहुत बड़ा मकाम उन आमाल का बन जाता है। आपने सुना होगा कि कयामत के दिन जिन तीन अशखास का पहले हिसाब होगा उनमें से एक आलिम भी होगा और अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको अपनी नियामतें गिनवाएंगे और कहेंगे मैंने तुम्हें ये इल्म दिया तो तुमने क्या किया। वो कहेगा ए अल्लाह आपने मुझे इल्म अता फरमाया, मैंने लोगों को पढ़ाया और वो सारे काम किए जो एक आलिम करता है, कारी साहब करते हैं। अल्लाह कहेंगे कज़्ज़बता, तू झूठ कहता है, तूने इसलिए इल्म हासिल किया और फिर पढ़ाया कि मुझे आलिम कहें। वक़्त क़ील, वो दुनिया में कहा जा चुका और अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म होगा कि इसको घसीट के हुए जहन्नम में डाल दो। तो ये तो बज़ाहिर आलिम था और इसने तो नेक काम ही किया था लेकिन नीयत की बिगाड़ की वजह से इसके लिए जहन्नम के फैसले हो जाएंगे। दूसरा वो शख्स होगा जिसने अपने माल खर्च किया होगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको अपनी नियामतें गिनवाएंगे, तुम्हें माल दिया था। वो कह गए अल्लाह आपने मुझे माल अता फरमाया और मैंने उस माल को मैंने ज़कात दी, सदका खैरात किया, वो काम जो आपने कहे थे करने के लिए इस माल के जरिए मैंने वो तो सब कुछ कर दिया। अल्लाह कहेंगे कज़्ज़बता, तू झूठ कहता है, तूने इसलिए माल खर्च किया ताकि तुझे लोग सखी कहें और वो दुनिया में कहा जा चुका, चनाचे इसको भी जहन्नम में डाल दिया जाएगा। और तीसरा वो शख्स होगा जिसने अपनी जान को अल्लाह के रास्ते में कुर्बान किया होगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत से कहेगा कि अल्लाह आपने तो मुझे जान दी थी, मैंने वो भी उसका भी नजराना पेश किया। अल्लाह कहेंगे कज़्ज़बता, तू झूठ कहता है, तूने दुनिया में इसलिए अपनी जान का नजराना पेश किया तो तुझे बहादुर कहा जाए और वो दुनिया में कहा जा चुका और उसके लिए भी जहन्नम के लिए फैसले हो जाएंगे। इसलिए हमें अपनी नीयत को दुरुस्त करना है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं और हर अमल में इंसान जो अमल भी करे और उसके लिए नीयत जरूरी होनी चाहिए। तो पहले
पहले तो यही है कि हम अपनी नीयतों को दुरुस्त करें कि इल्म हमें अल्लाह की मारिफत से हासिल हो और हमें अल्लाह की मोहब्बत मिल जाए और ये इल्म हमें जन्नत तक ले जाए। दूसरी चीज ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी को हम पढ़ें और गौर से पढ़ें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को हम अपनाएं, एक एक सुन्नत को हम अपनाएं। आप अगर देखें रोजमर्रा की जिंदगी में, जब हम शाम को सोते हैं और सवेरे फिर दूसरे दिन 24 घंटे का जो सर्कल होता है, इसमें बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो हम रोज करते हैं। कपड़े बदलते हैं, हम शाम को सोते हैं, खाना खाते हैं, सवेरे उठते हैं, वॉशरूम चले जाते हैं, फिर अपने दफ्तर को जाते हैं और अपने वालिदैन से बात करते हैं, मामलात होते हैं। तो इन सब चीजों की हम सुन्नतें मालूम करें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे सोया करते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात को उठते तो कौन सी दुआएं पढ़ते थे, जब सवेरे बेदार होते थे तो कौन सी दुआएं पढ़ते थे, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ज़ेब-ए-तन जो कपड़े फरमाते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सी दुआएं पढ़ते। तो सुन्नतों का एहतमाम किया जाए। और दूसरी चीज, जो दुआएं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई हैं, हमारे बड़े फरमाते हैं मसनून दुआओं का इंसान एहतमाम करे, इंसान इन मसनून दुआओं का एहतमाम करें। ये दुआएं ऐसी हैं जो कबूल हो चुकी हैं और इन दुआओं ने तो रहमत और बरकत के खजाने खोल दिए हैं। मैं चंद सालों पहले जब कोविड नहीं था तो मदीना मुनव्वरा गया था, अल्लाह रब्बुल इज्जत का करम हुआ, वहां एक बुजुर्ग से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा बेटा आज मैंने रोजे अथर पे एक अजीब उनके मामूलात थे, कहा आज मुझे एक अजीब सी बात सूझी, मैंने वही किया। मैंने कहा जी हजरत क्या किया, कहा कि मैंने वो सारी दुआएं जो जैसे मुनाजात मकबूल में दुआएं हैं जो कुरान और हदीस से साबित हैं, उन सारी दुआओं को मवाजिया शरीफ पे पढ़ा और मैंने वो सारी दुआएं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने यानी मवाजिया शरीफ के वहां पढ़ी और फिर कहा ऐ प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो मुबारक दुआएं हैं जो आपने हमें सिखाई हैं और जिन दुआओं से अल्लाह की रहमतें और बरकतों के खजाने खुल जाते थे। ऐ मेरे महबूब, मैं ये दुआएं पढ़ रहा हूँ, आप इस पे आमीन कह दीजिए ताकि मेरे लिए भी वो दुआएं वो बरकतें के खजाने खुल जाएं। तो हमारा अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र अथर में हयात हैं। जब इसी हदीस में आता है अल्लाह ने फरमाया जो दुरूद शरीफ पढ़ते हैं तो कुछ फरिश्ते होते हैं जो दुरूद पढ़ने वालों का दुरूद मेरे ऊपर पेश करते हैं, मुझे यहाँ पहुंचाते हैं, और जो कोई मदीना में आके मुआज्जा शरीफ पे दुरूद पढ़ता है सलाम करता है मैं उसको खुद सुनता हूँ। तो हमारा अकीदा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात हैं। तो उन बुजुर्गों ने फरमाया कि मैं जब मुआज्जा शरीफ पे गया तो वो सारी दुआएं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक जुबान से अल्फाज निकले हैं वो पढ़ी मैंने और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की आप इन पे आमीन कह दीजिए। तो हम दुआओं का एहतमाम करें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का एहतमाम करें, इससे इंसान का दिल जो है इससे इस्तेहजार पैदा होता है। और दूसरी चीज ये है कि इंसान तीसरी चीज ये है कि इंसान या तो अल्लाह से खूब दुआएं मांगे और अगर उसे वो दुआएं मिल गई, फॉर एग्जाम्पल किसी को कोई जरूरत हो और उसको वो चीज मिली हो तो उस पे अल्लाह का शुक्र अदा करे, प्यारे अल्लाह आपने मुझे ये दिया, आपने मुझे ये दिया, आपने मुझे ये दिया, और जो चाहिए उसके लिए अल्लाह से मांगे। ये दो चीजें हैं, इससे इंसान को अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है। ये हर वक्त इस हाल में तो होगा, या तो ये इसको जिस चीज की जरूरत है या तो इसके पास होगी वो, अगर उसके पास है तो उस पर शुक्र अदा करें, नहीं है तो अल्लाह से मांगे। और ये इंसान को अल्लाह का इस्तेहजार पैदा करने के लिए ये मुजर्रब अमल है। अल्लाह ने हमें कितनी नियामतें दी हैं, इंसान सोच وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, अल्लाह ताला ने हमें अनगिनत नियामतों से नवाजा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें बिनाई ना देते तो हम अंधे होते, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें गोयाई ना देते तो हम गूंगे होते, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें समात ना देते तो हम बहरे होते, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अकल ना देते हम पागल होते, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इज्जत ना देते हम जलील होते, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें औलाद ना देते हम लावलद होते, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें घर ना देते हम बेघर होते, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें खाना ना खिलाते हम भूखे होते,
अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें पानी ना पिलाते तो हम प्यासे होते। इस मकसद ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो हमें ये इज्जत भरी जिंदगी दी है, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का एहसान और करम है, हमारा इसमें कोई दखल नहीं। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें इतना कुछ दिया तो हमें भी अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करना चाहिए। और उसूल ये है ला इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, तुम अगर शुक्र करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी नियामतों को और बढ़ा देंगे। तो हमें चाहिए कि हम कसरत से दुआएं मांगने वाले बन जाएं। और एक हदीस में आता है जिस शख्स के लिए दुआओं का दरवाजा खुल गया उसके लिए तमाम खैर के दरवाजे खुल गए। अल्लाह रब्बुल इज्जत से जब हम बहुत सारी चीजें मांगे उसमें दो चीजें ये भी मांगे, ए अल्लाह अपनी मोहब्बत अता फरमा। हमारे बड़े फरमाते हैं कि इस वक्त अल्लाह से अच्छी सेहत मांगने वाले बहुत, अल्लाह से घरबार अच्छा घरबार मांगने वाले बहुत, अच्छी बीवी मांगने वाले बहुत, अच्छी गाड़ी मांगने वाले बहुत, लेकिन अल्लाह से अल्लाह को मांगने वाले बहुत थोड़े। तो एक इंसान अल्लाह से अल्लाह की मोहब्बत मांगे। अजीज तलबा, हम जो इल्म पढ़ रहे हैं या आजिज भी तालिब इल्म है, हम इस पे अमल करें और जब हम नेकी और तकवा की जिंदगी गुजारेंगे अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे दिलों में वो मोहब्बत और अपनी मारिफत का नूर अता फरमाएंगे। तो जब हम अल्लाह से मांगे तो अल्लाह से मोहब्बत भी मांगे। और इंसान को देखना चाहिए कि जिस अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें इतनी नियामतें दी हैं, अगर हम हर एक दिन भी हमारी आंखों से अल्लाह की मोहब्बत में आंसू न बहे तो वो दिन जाया हो गया। तो हर दिन होना ऐसा कोई ना वक्त होना चाहिए जिसमें हम अल्लाह के सामने अपने हाथ को फैलाएं और अल्लाह से मांगे, अल्लाह से मांगे या युहन्नास अंतुमुल फुकरा, ए इंसानों तुम सारे के सारे फकीर हो। और अल्लाह ताला फरमाते हैं अस्सदकातुल लिल फुकरा, सदका तो फकीरों का हक होता है। अल्लाह से कहना चाहे प्यारे अल्लाह, जब आपने हमें कहा तुम फकीर हो और सदका फकीरों का हक होता है, प्यारे अल्लाह सदके में हमें अपनी मोहब्बत दे दीजिए, सदके में अपनी मारिफत दे दीजिए, सदके में अपनी मोहब्बत दे दीजिए। तो एक हम अपनी अल्लाह से मोहब्बत मांगे, और दूसरी चीज है खशियत, अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर, क्योंकि दोनों चीजें जरूरी हैं। इमाम गजाली अली रहमान ने खशियत के तीन दर्जे नकल किए हैं। एक होता है अवाम नास का खौफ, कि वो जब कबीरा गुनाह करते हैं फिर उनको डर लग जाता है कि कहीं अल्लाह हमें सजा ना दे, तो ये उनकी खशियत होती है। एक होती है सालिहीन की खशियत, वो नेक आमाल करते हैं और गुनाहों से बचते हैं और नेक आमाल की कबूलियत की उनको डर लगता है कि अल्लाह आपने हमें जो ये तौफीक दी अल्लाह इनको कबूल फरमा दीजिए। अल्लाह बेनियाज हैं, अल्लाह वो जानते हैं, सालिहीन जानते हैं कि अल्लाह बेनियाज हैं। तमाम दुनिया के इंसान फिराउन, हामान और बड़े बड़े जितने कुफार आए हैं उन जैसे बन जाएं और अल्लाह की इज्जत और जलाल में थोड़ी भी बराबर कमी भी नहीं आएंगी। और तमाम दुनिया के इंसान अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु जैसे मुत्तकी बन जाएं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की इज्जत में थोड़ा जरा बराबर भी इजाफा भी नहीं हो सकता। अल्लाह रब्बुल इज्जत बेनियाज है, तो सालिहीन जानते हैं, वो आमाल करते हैं लेकिन डरते हैं। तो और इस ये है खशियत का दूसरा दर्जा। और एक खशियत होती है आरिफीन की, और वो जानते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत कितने बेनियाज हैं और जो बातिनी नियामतें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें अता फरमाई है वो इसके डर में लगे होते हैं कि ये नियामतें हमें मौत तक साथ देंगी या नहीं देंगी, हमारा खातिमा ईमान पे होता है या नहीं होता है, ये आरिफीन का खौफ होता है। इसलिए अल्लाह से खशियत भी मांगे, अल्लाह की मोहब्बत भी मांगे और अल्लाह से अल्लाह खशियत भी मांगे। और जो एक और चीज ये है कि इंसान अच्छा अखलाक बन के जिंदगी गुजारे। सबसे ज्यादा जिसकी वजह से दीन फैलता है, जिसकी वजह से आप लोगों को मुतासिर कर सकते हैं, वो अच्छे अखलाक हैं। हम अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को पढ़ें और अपनी जिंदगी में उन अखलाक को लाएं। जितना इंसान अपने ऊपर मेहनत करता है, अगर हम अपने ऊपर मेहनत करेंगे, जितनी ज्यादा हम मेहनत करेंगे इतने ही असरात हमारी सोसाइटी पे भी पड़ेंगे। हम इल्म पढ़ रहे हैं, इस पे अमल करें और इसमें चार चांद जो
लगा देता है वो इंसान के अच्छे अखलाक हैं। आप पूरी हिस्ट्री को पढ़ें, आप देखें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यहाँ से रवैया क्या था। वो उस्मान जो पहले ईमान नहीं लाए थे, बैतुल्लाह की चाबी उनके पास थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के लिए तशरीफ ले गए और आपने उनको कहा उस्मान मैं बैतुल्लाह में नमाज पढ़ना चाहता हूँ। उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं दे सकता। उस्मान उनको कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस्मान वो वक्त याद, एक वक्त ऐसा आएगा जिस जगह पे तुम खड़े हो उस जगह पे मैं होऊंगा और जिस जगह मैं हूँ उस जगह तुम होगे, उस वक्त का क्या हा आलम होगा। उन्होंने सोचा ऐसे ही कह दिया होगा, लेकिन जब फतह मक्का हुआ, हुजूर अलैहिस्सलाम मक्का में फातिहा बन के दाखिल हुए और फिर खाना काबे की चाबी मंगवाई और फिर उस्मान को बुलाया और अंदर नमाज पढ़ी और फिर कहा उस्मान याद है तुम्हें वो वक्त जब मैंने तुमसे चाबी मांगी थी बैतुल्लाह की और तुमने नहीं दी थी, लेकिन जो तुमने उस वक्त मेरे साथ सलूक किया था मैं तुम्हारे साथ सलूक ऐसा नहीं करूंगा, ये चाबी मैं तुम्हें वापस देता हूँ और इसको कोई जालिम ही तुम्हारी तुमसे छीन सकता है। आज भी उन्हीं के खानदान में बैतुल्लाह की बैतुल्लाह शरीफ की चाबी है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसे अखलाक जब इंसान पढ़ता है, एक इंसान को एक रोल मॉडल जब देखता है ना इंसान, तो उसकी इम्प्रूवमेंट होती है। तो हमें भी चाहिए हम नबी अलैहिस्सलाम के अखलाक मुबारक अपनाएं और इंसान वैसा बनने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो मैसेज ये है कि हम अपनी नीयतों को दुरुस्त करें और हम अपने मामलात को सही करें, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपनाएं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआएं सिखाई हैं और उन दुआओं को हम अपनी रोजमर्रा के मामलात में जगह दें, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआएं सिखाई हैं वो तो मसनून दुआएं आती हैं, आपको बहुत सारी किताबों में मिल जाएंगी, और कसरत से अल्लाह से मांगें और अपने अखलाक को दुरुस्त करें और अच्छा एक नमूना बन के जिंदगी गुजारें। हम अल्लाह के प्यारे हम जो एज अ पर्सन किसी का नाम यासिर है, किसी का नाम मुदस्सिर है, कि हम बाद में हैं, पहले हम अल्लाह के बंदे हैं। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई किसी और जगह काम करता है, लेकिन पहले हम अल्लाह के बंदे हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, और हमें सबूत देना चाहिए पूरी पूरी इंसानियत को हमारे, जब वो हमें देखेंगे कि जब ये इतने अच्छे लोग हैं तो इनके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने अच्छे होंगे। तो हमें अपने अंदर अच्छे अखलाक पैदा करने की जरूरत है, और आप देखेंगे जब आप अपने अपना मुहासबा करेंगे कि हमें कौन कौन सी कमी है तो जब ये आप अपने अंदर वो अखलाक व्यवस्था करेंगे, अल्लाह से मांगेंगे, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको वैसे अखलाक अता फरमाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको भी अखलाक हमीदा अता फरमाए, इस आजिज को भी आपकी बरकत से अता फरमाए, और अल्लाह ताला हमारे इस मजलिस को कबूल फरमाए। हम सारे तालिब इल्म हैं, अल्लाह ताला क़यामत के दिन हम सबको बख्शे हुए गुनाहगारों में शामिल फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें जन्नतुल फिरदौस में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पड़ोस नसीब फरमाए। अल्लाह करे कि जो इल्म हम पढ़ रहे हैं इसकी वजह से हम अल्लाह के और ज्यादा करीब हों, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के और ज्यादा करीब हों, वो मोहब्बतें हमें मिले। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शिफात नसीब फरमाए। जो कहा या सुना अल्लाह ताला इस पे हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दुआना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। एक जरूरी बात कहनी थी, वो ये कि अलकहफ कुरान एकेडमी ने एक ऑनलाइन तजवीद कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, यानी अभी वो स्टार्ट नहीं हुआ, यानी उसको स्टार्ट करने का इरादा किया हुआ है। उसका पोस्टर हमने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी शेयर किया था, जो हमारा ऑफिशियल फेसबुक पेज है उस पर भी, और यूट्यूब पे भी हमने वो डाला हुआ था। तो उसकी रजिस्ट्रेशन अभी ऑन है, ऑनलाइन तजवीद कोर्स। उसमें हम आपको जो कुरान पाक पढ़ने का सही तरीका है, कैसे अल्फाज पढ़ने हैं, कहाँ रुकना है, किस तरह पढ़ना है, सारे कवायद जो कुरान पाक का हक है उस तरह पढ़ने का तरीका उसमें सिखाएंगे। उसके लिए हम माहिर कारी साहिबान को अरेंज करेंगे आपके लिए। तो वो हमने पहले प्लान किया था 15 फेब से हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन किसी वजह से वो अभी 15 फेब को नहीं हो रहा। इंशाल्लाह मार्च के पहले या दूसरे हफ्ते में वो इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। तो उसका पोस्टर हम फिर से रीशेयर करेंगे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी, फेसबुक पे भी, यूट्यूब पे भी। वो आप हजरात अपने दोस्तों में भी शेयर करें, और आप भी कोशिश करें कि वो कोर्स ज्वाइन करें, ताकि हम सबका कुरान पाक
हमारी नमाज सही हो जाए, हमारा तलफ़ुज़ पढ़ने का तरीका सारा सही हो जाए। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए।